एचएससी बोर्ड के अंदर पिछले 5 से 10 साल के अंदर जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स बार बार रिपीट हुए हैं, उन न्यूमेरिकल्स को देखकर मैंने सारे फॉर्मूले बनाए हैं। तो इन फॉर्मूलाज को सही से याद करके जाना है, जिससे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा, ठीक है। और इससे भी इम्पोर्टेंट कि मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है फॉर इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑफ एचएससी बोर्ड, ठीक है, तो उसको जरूर देखो, जिससे आपको कल के पेपर में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा, ठीक है। सो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज में पहला चैप्टर रोटेशनल डायनामिक्स। रोटेशनल डायनामिक्स में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर होता है, ठीक है। देन उसके बाद फॉर डिफरेंट बॉडीज के लिए आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखना है। रिंग के लिए होता है एमआर स्क्वायर, डिस्क के लिए होता है एमआर स्क्वायर बाय 2, देन हॉलो स्फीयर के लिए 2/3 एमआर स्क्वायर एंड सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5 एमआर स्क्वायर। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, इनकी वैल्यूज अलग अलग करके एक एक मार्क्स के लिए या दो दो मार्क्स के लिए, तो इसको जरूर याद रखना है। देन उसके बाद आता है काइनेटिक एनर्जी का रोटेशनल वाला फॉर्मूला, दैट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। देन उसके बाद टॉर्क का फॉर्मूला होता है, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, ठीक है, आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। देन एंगुलर मोमेंटम में देखिए तो एल इज इक्वल टू आई ओमेगा होता है। ये सब के सब एंगुलर फॉर्मूला है, लीनियर फॉर्मूलाज आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब इनके ऊपर क्वेश्चन बहुत ज्यादा दिख रहा है रोटेशनल डायनामिक्स से, सो इनको प्रिपेयर करके जाओ, विथ दैट काइनेमेटिकल इक्वेशन भी प्रिपेयर करो, क्योंकि उधर से भी क्वेश्चन आते हैं, इसमें मिक्सचर करके सवाल पूछा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से ज्यादातर क्वेश्चन जो रिपीट हो रहा है, दैट इज ऑफ वर्क डन से। वर्क डन का फॉर्मूला होता है वर्क इज इक्वल टू टी इंटू डी ए, है ना। और अगर वो लिक्विड ड्रॉप के लिए क्या होता है, टी इंटू 4πr², क्योंकि लिक्विड ड्रॉप है तो स्पेरिकल है, तो एरिया हो जाएगा 4πr². सेम अगर स्पेरिकल बॉडी सोप बबल दिया हुआ है, तो एरिया वर्क डन का फॉर्मूला हो जाता है टी इंटू 2 4πr², क्योंकि 2 सर्फेसेस होते हैं ना उसको, इसलिए अपन क्या बोलते हैं इसका फॉर्मूला टी इंटू 2 × 4πr², ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। आगे उसके बाद आता है अपना एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला, इस पे भी न्यूमेरिकल आ सकता है, पी माइनस पी नॉट इज इक्वल टू 2t/r, ये फॉर्मूला होता है लिक्विड ड्रॉप के लिए। सेम फॉर्मूला एक्सेस प्रेशर इनसाइड सोप बबल के लिए क्या होता है, 4t/r होता है, ठीक है। पी इज द सरफेस टेंशन एंड आर इज द रेडियस, ठीक है, एंड पी माइनस पी नॉट इज एक्सेस प्रेशर। तो वर्ड को पढ़ना है और जो डेटा दिया हुआ है वो वहां पुट करना है, तो आपको पूरे मार्क्स या 2 out of 1 मार्क्स मिल जाएगा। देन हाइट ऑफ कैपिलरी, ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइट कैपिलरी का कितना है, तो ये फॉर्मूले में पुट करना रहता है सारा वैल्यू, एच इज इक्वल टू 2t cos θ / ρgr, ठीक है। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला भी इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल आ रहा है ज्यादातर, 2/9 r² रो माइनस सिग्मा जी अपॉन थीटा, इस फॉर्मूले को याद रखना है। साथ साथ आप लोग स्ट्रीमलाइन टर्बुलेंट फ्लो मतलब रेनॉल्ड्स नंबर का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी पढ़ लो, वहां से भी क्वेश्चन आने की चांसेस है, ठीक है। देन इसके बाद अपन बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे ऑसिलेशन। ऑसिलेशन में क्या पूछा गया है, आपको एक्सेलरेशन वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट का इन सब का इक्वेशन पता होना चाहिए, ठीक है। अब इधर हम क्या कर रहे हैं, मैंने यहाँ सारी वैल्यूज लिखी हुई है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट जनरल पे मीन पे और एक्सट्रीम पे उसकी क्या वैल्यूज हुई है वो भी लिखा है। तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है एक्सेलरेशन का, इस माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। वेलोसिटी क्या होता है जनरल फॉर्मूला, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, ठीक है। मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जीरो होता है, ठीक है, ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। एक्सेलरेशन का एक्सट्रीम पे ए ओमेगा स्क्वायर होता है, तो बहुत बार ऐसे सवाल आता है, ठीक है, ध्यान दो, मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होता है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज ए ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। एंड मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होती है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है ए ओमेगा, ये याद रखना है, ठीक है। देखो वेलोसिटी मैक्सिमम ए ओमेगा होता है, एंड एक्सेलरेशन मैक्सिमम कब होता है एक्सट्रीम पे, दैट इज ए ओमेगा स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल बोर्ड में आ चुका है और बार बार आ सकता है, तो इन सब के न्यूमेरिकल्स अगर सही से देखने हैं कैसे टाइप के पूछे गए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है, तो इन सब फॉर्मूलाज को आप देख सकते हो और इनके ऊपर क्वेश्चन भी देख सकते हो। देन डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला इज ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, मीन पे होता है ए साइन ओमेगा टी एंड एक्सट्रीम पे होता है ए कॉस ओमेगा टी, ठीक है। सो आगे बढ़ेंगे इसके बाद ऑसिलेशन के अगले पार्ट पे, दैट इज एनर्जी का और मीन एक्सट्रीम का फॉर्मूला। तो एनर्जी अलग अलग पोजीशन पे क्या होती है और कौन सी एनर्जी कैसे बदलता है, जैसे काइनेटिक एनर्जी
जनरली क्या होता है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर उसी की बात अगर हम मीन पे करेंगे काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी में एक्स जीरो हो गया, एक्स जीरो हो गया मतलब ये वैल्यू जीरो हो गई, तो फॉर्मूला क्या हो गया, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। अब इसी को समझना, एक्सट्रीम पे क्या होता है, एक्स ए हो जाएगा, तो ये एक्स ए हो जाएगा मतलब ये वैल्यू ए हो जाएगी, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जीरो हो जाएगा, तो जीरो इनटू समथिंग इज जीरो, तो एक्सट्रीम पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है, ठीक है, ध्यान में रखना है। पोटेंशियल एनर्जी आर्बिटरी फॉर्मूला हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता है, तो एक्स स्क्वायर होता है मतलब एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो मीन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है, और एक्सट्रीम पे क्या होता है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। टोटल एनर्जी जो होती है वो आर्बिटरी भी उतनी ही रहती है, मीन पे भी उतनी ही रहती है, और एक्सट्रीम पे भी उतनी ही होती है। आगे बढ़ेंगे लॉ ऑफ पेंडुलम की तरफ। लॉ ऑफ पेंडुलम क्या है, सिंपल पेंडुलम T=2πL/g। अब इसका है जो लॉ भी लिखने को आता है, एक्सप्लेन करने के लिए बोलते हैं, तो टी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट ऑफ एल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू दी अंडर रूट ऑफ जी। तो ये फॉर्मूला याद रखना, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी पूछ लिया जाता है। आगे सुपरपोजिशन ऑफ वेव में बात करेंगे, तो सबसे पहले आता है लॉ ऑफ स्ट्रिंग। लॉ ऑफ स्ट्रिंग इज n इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 l अंडर रूट t बाय l। तो इस फॉर्मूले को याद रखना है अपन को, ठीक है। अब n जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है l से। आगे t क्या है, इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड m इज द लीनियर मास डेंसिटी ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये लॉ भी एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जाता है। नेक्स्ट, इसके बाद पाइप क्लोज और पाइप ओपन का तो कॉन्सेप्ट सबको पता है। पाइप अगर क्लोज है तो फ्रीक्वेंसी होगी v by 4 dl, 3 v by 4 dl, 5 v by 4 dl, क्यों, क्योंकि ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट रहता है पाइप क्लोज में, ठीक है। एंड ये जो l है दैट इज, इसको अपन l प्लस स्मॉल e से बताते हैं, क्योंकि लेंथ प्लस e मींस एंड करेक्शन, एंड एंड करेक्शन पाइप क्लोज है तो 0.3 d होता है, ठीक है। तो इसी को और भी अलग अलग एंड करेक्शन के फॉर्मेट्स में लिख सकते हैं। सेम वे पाइप ओपन के लिए v by 4 dl, v by 4 dl की जगह पर v by 2 dl होता है, 2 v by 2 dl, 3 v by 2 dl, एंड यहाँ पे अपने पास एंड करेक्शन 0.6 दी का होता है, क्योंकि पाइप दोनों तरफ से ओपन है, करेक्ट। तो फिर उसका यहाँ का 0.3 दी और यहाँ का 0.3 दी, मतलब कितना हो जाएगा 0.6 दी, ठीक है। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करेंगे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का सवाल बहुत आता है। C is equals to AK epsilon naught upon D. C is capacitance, A is area, K is dielectric constant, epsilon naught is constant, that is 8.85 into 10 to the power minus 12, and D is distance between two parallel plates. तो इसको याद रखना है। आगे energy stored in capacitor, इस पे भी सवाल बहुत आया गया है। तो U is equals to half CV square, half Q square by C and half Q into D. As per the given condition, हमको formula use करना रहता है। Formula में capacitor दिया हुआ है और voltage दिया हुआ है, तो ये formula use करेंगे। फॉर्मूला में देते समय हमको अगर डेटा में चार्ज दिया और वोल्टेज दिया तो ये फॉर्मूला यूज करना है, और अगर चार्ज और कैपेसिटर के बारे में बात किया है तो हमको ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, ठीक है। इसके क्वेश्चन कुछ देख लो, पीडीएफ में मिल जाएंगे, तो उसके क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। देन इसके बाद मैग्नेटिक मटेरियल्स में ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये क्यूरी टेम्परेचर का फॉर्मूला, इस पर न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा पूछा गया है, 3 से 4 बार पहले बोर्ड्स में पूछ गया है इसके ऊपर क्वेश्चन, तो ये फॉर्मूला एक याद रखना है। बाकी मैग्नेटाइजेशन का और दूसरे भी मैग्नेटिक इंटेंसिटी का भी फॉर्मूला थोड़ा सा देख लो, ठीक है। अच्छा, अब मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है, mz is equals to mnet upon v होता है, ठीक है, याद कर लो फटाक से, इतना सा फॉर्मूला है। एंड m equals to susceptibility into h, h means magnetic intensity, ठीक है। तो मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू स्काई इंटू ससेप्टिबिलिटी इंटू मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ये फॉर्मूला होता है। तो ये तीन फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। देन ड्यूअल नेचर से बात करेंगे, तो एनर्जी E इज इक्वल टू एच न्यू होता है, ठीक है, और वर्क फंक्शन होता है फाई नॉट इक्वल टू एच न्यू नॉट एच सी बाय लैम्डा नॉट, ठीक है। दूसरा आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इज काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ठीक है। ये कुछ फॉर्मूलाज है फाइनल वाले, इसमें ये दोनों को याद करो और कंडीशन याद रखो, फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज न्यू मस्ट बी ग्रेटर देन न्यू नॉट, ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। तो दीज आर दी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज फॉर न्यूमेरिकल्स। अगर ये सारे फॉर्मूलाज आप याद करके जाते हैं तो यू विल गेट अ कॉन्फिडेंस, जिससे आप न्यूमेरिकल्स को अच्छे तरह से सॉल्व कर सकते हैं एंड द डेफिनेशंस भी अच्छे तरह से लिख पाएंगे, ठीक है। सो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई है। इफ यू हैव एनी वैल्यू फ्रॉम दिस वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।